प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान, उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा के जेल जाने के मामले पर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है। माना जा रहा है कि अपने इस रणनीति के तहत कांग्रेस छिटके हुए मुस्लिम नेताओं और मतों को अपनी ओर करने की कोशिश में है। तभी तो सीतापुर में यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय और हरदोई में अन्य कांग्रेस नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मिलने गए थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि कांग्रेस का ये कदम रामपुर में उसके लिए दो धारी तलवार पर चलने जैसा हो सकता है। एक और जहां कांग्रेस आजम खान के समर्थन में सब कुछ करने का दावा और वादा कर रही है, तो वहीं रामपुर की सियासत में नवाब परिवार से वो दूर भी हो सकती है। यूं तो नवाब परिवार से अब कांग्रेस के खास संबंध बचे नहीं, लेकिन आजम के समर्थन से कांग्रेस की रामपुर इकाई के भीतर भी लोग बहुत खुश नहीं हैं। ये दावा किया है कांग्रेस की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने। पार्टी की पूर्व सांसद और रामपुर में आजम खान के खिलाफ राजनीति करने वाली बेगम नूर बानो ने कहा कि आजम खान ने हमारा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, हमारी पार्टी में भी कई लोग आजम खान को पसंद नहीं करते हैं। अब अगर पार्टी आजम का समर्थन करने का फैसला करती है तो ये उसका मंतव्य है। मैं हमेशा से कांग्रेस में रही और आगे भी पार्टी में रहूंगी। देखते हैं चुनाव तक, अभी बहुत कुछ होगा। आपको बता दें कि साल 2022 में रामपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नवाब काजिम उर्फ नावेद मियां ने कांग्रेस के बयाज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना का समर्थन किया था। इसके बाद कांग्रेस ने नावेद मियां को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। निष्कासन के बाद रामपुर के नवाब ने कहा था कि चाहे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़े, लेकिन हम आजम खान का विरोध करेंगे। अब कांग्रेस रामपुर की सीट को भुना पाती है या नहीं देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के लिए वापसी की कितनी संभावनाएं हैं ये समझने के लिए हमें रामपुर के राजनीतिक इतिहास में जाना होगा। लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 1952 से चुनाव हो रहे हैं और अब तक के सभी चुनावों में से 10 बार कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है। साल 2004 में पहली बार ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। साल 2004 और 2009 में जया प्रदा ने यहां से जीत हासिल की। वहीं साल 2014 में बीजेपी फिर से इस सीट पर जीती। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने सीट जीती और आजम खान सांसद बने, लेकिन साल 2022 में पहली बार इस सीट पर उपचुनाव हुआ और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की। साल 2022 के उपचुनाव में कांग्रेस ने रामपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई थी। सपा के मोहम्मद आसिम रजा इस चुनाव में 42,192 मतों से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के हाथों हार गए थे। वहीं साल 2022 के ही विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें सपा के आजम खान ने बीजेपी के आकाश सक्सेना और कांग्रेस के नवाब काजिम अली खान को भारी मतों से हराया था। माना जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी न उतारने से नवाब परिवार नाराज था, इसलिए उसने आजम खान के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी का समर्थन किया। इन सब आंकड़ों और राजनीतिक बयानबाजियों को ध्यान में रखकर देखें तो कांग्रेस रामपुर में नवाब परिवार का विकल्प खोजने में लगी हुई है। जब साल 2022 में कांग्रेस ने नावेद मियां को पार्टी से निष्कासित किया था, तब उन्होंने कहा था कि अब रामपुर में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस रामपुर में नवाब परिवार का विकल्प खोज पाएगी या आजम के समर्थन से वो रामपुर समेत पूरे राज्य में मुस्लिम वोटों में अपना शेयर वापस हासिल करने में सफलता मिलेगी।